कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अपना नाम जो है, निक नेम है, वो मेंशन किया हुआ है। जब आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो नाम डालें सूमी, जूमी, ZUMI, जूमी। ओके जूमी, मैं आपकी बटरफ्लाई की किट की सक्सेस स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, और मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि ये बटरफ्लाई किट की ही सक्सेस स्टोरी है। देखिए, जब कोई ऐसे मेंशन करता है ना, तो मुझे मेंशन करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करती हूँ। सच में मैं अवॉइड करती हूँ। मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन ठीक है। थैंक यू सो मच जूमी, थैंक यू। मैं आपके बटरफ्लाई किट पिछले 8 महीनों से यूज़ कर रही हूँ। थर्ड किट के हाफ में ही पहुँची हूँ और ये कह सकती हूँ कि जादू होने लगा है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मैं शादी के 6 महीने के बाद से ही अपने मायके में हूँ। हम दोनों की बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई थी और फाइनली डिवोर्स तक हमारा केस पहुंच गया था। हम दोनों ही डिसाइड कर चुके थे कि इस तरीके से मैरिड लाइफ में रहने से बेटर होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। लव मैरिज ही आप ये समझ सकते हो। मिलवाया पेरेंट्स ने था, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के पहले काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। हम दोनों की शादी के बीच में काफ़ी गैप था, क्योंकि उनके भाई की शादी बाकी थी और मेरी बहन ने भी बीच में लव मैरिज के लिए बहुत प्रेशर डाल दिया था। इसलिए हम दोनों के भाई बहनों की शादी बीच में आ गई, तो हमें काफ़ी टाइम मिल गया था। इस बीच ही हम दोनों को प्यार भी हो गया था, लेकिन ये शादी टूटने की कगार पर आ गई थी। इसमें एक और चीज़ हो रही थी कि मेरा करियर पूरी तरीके से सफ़र कर चुका था। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन उनकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं जॉब ना करूं। इस वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे सामने आया करीब 1 साल पहले, और उसके बाद तक कुछ महीने बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे फॉलो करूं, क्या करूं। आपकी बटरफ्लाई किट का वीडियो देखा और मैंने सोचा चलो इसे ऑर्डर करते हैं और इसको करके देखते हैं। मैंने वो तीनों ही जर्नल्स को फॉलो करना शुरू किया। रिलेशनशिप के लिए मैं अलग से ग्रैटिट्यूड लिखती थी। मनी वाले जर्नल में मैं अपने जॉब के लिए ग्रैटिट्यूड लिखती थी, और आपका जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है उसके अंदर मैं अपने सेल्फ लव को मेंशन करके लिखती थी। मेरे आज ये सक्सेस स्टोरी हो चुकी है कि मैंने जहाँ पर जॉब छोड़ी थी वहीं से वापस शुरुआत तो हो गई है। जहाँ पर मुझे लग रहा था मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, 5 साल पीछे चले जाऊँगी, लेकिन नहीं, मैंने वापस से बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हुए कि मैं वापस वहीं आ गई और वहीं से जॉब शुरू की। अभी मैं अपने मायके से सिर्फ 1 महीने पहले ही आई हूँ। सारी चीज़ें सेट हो जाएं ये सोच रही थी और सक्सेस स्टोरी लिखूँ। मेरे हस्बैंड खुद आए मुझे लेने के लिए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतनी जल्दी इन चीज़ों को मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। मम्मी पापा को भी मैंने समझाया है। मेरी सबसे बड़ी ननद का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, उनको भी मैंने समझाया है। मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल उनके हाथ लग गया था और उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो ये सब कुछ, तो मैंने उनको बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। और उन्होंने रिलेशनशिप का जब जर्नल पढ़ा तो उन्होंने देखा मैंने उनकी बड़ी बहन के बारे में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखी हुई थी। इसके बाद में उनके और मेरे बीच में बहुत प्यार हो गया। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने उन्हें जानबूझ करके दिखाया है, गलती से उन्होंने देख लिया। और मैंने उस दिन के बाद उन्हें कहा कभी भी मेरी प्राइवेट चीज़ें नहीं पढ़ना, तो उन्होंने कहा कि तुम प्राइवेट चीज़ों में बहुत सुंदर चीज़ें लिखती हो, कभी कभी हो सके तो मुझे दिखा दिया करना। मैंने भी हंस करके हाँ कर दी और सारी चीज़ें सच में अच्छी होने लगी हैं। आज मैं जब आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है। कंग्रेचुलेशन, ज़िंदगी बदल गई है, ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। क्या लाइन बोली आपने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बटरफ्लाई किट मैंने बड़े प्यार से बनाई है, बड़े दिल से बनाई है, बड़े प्यार से उसके अंदर ट्रिगर्स डाले हैं, बड़े सोच समझ करके डाले हैं। और जब उससे जुड़ करके कोई कहानी आती है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो मेरी भी सक्सेस स्टोरी होती है। मेरे दिल को एकदम से हिट करती है, टच करती है। 3 किट्स का मतलब हो गया कि एक किट में 3, दूसरी किट में 3, ऐसी एक सक्सेस स्टोरी
बटरफ्लाई किट की पहले भी आई, क्योंकि उसके 5 तक जाते जाते ख़त्म ही हो जाता है, पूरा कोर्स ही समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे जर्नल्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये हाफ पर ही है थर्ड के। आई एम वेरी हैप्पी, मैं और क्या कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किट लेनी है, जर्नल लेना है, नहीं, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है ना, आप उसको भी कर सकते हो यूज़, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास जो जर्नल है, अच्छे से रेड कलर का या अपना कोई फेवरेट कलर का पेन लीजिए और उसी को अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, रिलेशनशिप जर्नल बनाइए, लव जर्नल बनाइए, मनी जर्नल बनाइए, जो मर्जी आए बनाइए, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब या आ जाता है कहानी में तो फिर मुझे डालना पड़ता है, और कोई भी रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, किट की बात करूँ तो ये मैंने बड़े दिल से और बड़े ही मन से बनाई है। कंग्रेचुलेशन। अपने अपने देखिए ख्याल, अपने अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, तो कि अट्रैक्ट करेंगे ढेर सारा प्यार। आई लव यू।